नमस्कार, आप देख रहे हैं republichindi.com और मैं हूं अरुण तिवारी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL कहने को तो आज एक T20 क्रिकेट लीग है, लेकिन अगर हम इसे देश का सबसे बड़ा त्योहार कहे तो गलत नहीं होगा। IPL के दौरान पूरे देश की निगाहें सिर्फ क्रिकेट पर ही टिकी होती है। IPL के दौरान देश के सभी TV शो की TRP नीचे गिर जाती है, यहाँ तक कि सिनेमा घरों की रौनक भी IPL के दौरान फीकी पड़ जाती है। फिलहाल देश में आम चुनाव चर्चा में है। आपको बता दें कि IPL का चुनाव से भी कनेक्शन है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2014 के आम चुनाव में BJP की जीत में IPL का बहुत बड़ा महत्व था। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अब की बार मोदी सरकार वाला एड और टैगलाइन कितनी पॉपुलर हुई थी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। उस एड कैंपेन की शुरुआत 2014 IPL के साथ ही हुई थी। 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में किसी भी चीज को जन जन तक पहुंचाने के लिए एड का क्या महत्व है ये सभी जानते हैं। क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट और कैची हेडलाइन ने मोदी सरकार को चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी। BJP ने गत IPL के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए क्रिकेटिंग एड सीरीज निकाली थी, जो काफी क्रिएटिव और प्रभावशाली थी। सूत्रों की माने तो इस बार BJP के साथ ही कांग्रेस भी IPL के दौरान कुछ एड के माध्यम से चुनाव में पकड़ बनाने की तैयारी में है। हालांकि देखना यह है कि किसके एड ज्यादा रचनात्मक और प्रभावशाली होते हैं। इस बार तो राजनेताओं, खिलाड़ियों और आम जनता को भी IPL और आम चुनाव के बीच तालमेल बिठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हिंदी। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं।